महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतकम्, जीवन की जो महान मानवीय यात्रा है उसको पूरा करने का एक ऐसा साधन है। यदि इस पर चला जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ हमें यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा जीवन तमस है, तमस से भरा हुआ है। हमें जो अच्छा है, उत्कृष्ट है, उसको देखना है। कैसे कर सकते हैं, असंभव को संभव बनाने का काम कैसे किया जा सकता है, इसका नाम है नीति शतकम, नीति का शतक। ऐसी 100 श्लोक हैं और 100 श्लोकों में ऐसी 100 ही बातें नहीं हैं, लगभग एक श्लोक में कहीं 3 कहीं 4 ऐसी नीति की बातें हैं। ये हमें अच्छे उत्कृष्ट मानव बनाने के लिए बहुत पर्याप्त है। हम इस समय नीति शतकम के प्रथम भाग मूर्ख निंदा की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात जो कमियां हैं हमें उनको ध्यान रखना है, जो डीमेरिट्स हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को ओछा दिखाती हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाने से रोकती हैं, उसको ध्यान दिलाया है भर्तृहरि ने। हमें उसको सावधानी से उनको देखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा करेंगे लेकिन जो बुराइयाँ सहज हैं उन पर ध्यान रखें और उसको हम नहीं करें, ये है मूर्ख निंदा। इस मूर्ख निंदा को पहले शतक में पहले ही भाग में 10 श्लोक लिखने की काम आवश्यकता थी। इसका उत्तर है ये कि ये न्यूनता पहले बता दी जाए, जो सहजता से व्यक्ति कर लेता है, ध्यान नहीं देता है। तो इस समय हमने कुछ श्लोक पढ़े हैं, आइए आज इस क्रम में अगला श्लोक देखें। नीति शतकम का महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम का 7वां श्लोक मूर्ख निंदा पद्धति से। स्वायत्तमेकांत गुणं विधाता विनिर्मितं छादनमज्ञतायः विशेषतः सर्वविदं समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां। श्रुति माधुर्य श्लोकों में इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र और उपजाति, ये तीनों में 11 वर्ण होते हैं 4 चरणों में, इसलिए इसका संगीत माधुरी बनती ही है। श्लोक में सुक्ति है, सुक्ति वाला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थ चरण है वो देखें, विभूषणम मौन पंडितानाम, क्या कह दिया है भर्तृहरि ने श्लोक के द्वारा। बोलना बहुत जरूरी है। इसका भावार्थ मैं आपको पहले बता देता हूं कि अज्ञता को ढकने के लिए, मूर्खता को ढकने के लिए विधाता ने, ईश्वर ने एक ऐसे स्वायत्त और एकांत गुण का निर्माण किया है जो अच्छे लोगों के समूह में, उत्कृष्ट लोगों के समूह में, यदि लोग अच्छे लोगों की सभा है, एकत्रित हैं लोग, उसमें यदि व्यक्ति मौन रहता है तो उस व्यक्ति के अज्ञानता को ढक देता है मौन। चुप रहता है तो भी वो व्यक्ति अच्छा मान लिया जाता है, किंतु यदि वो मूर्ख है तो उसकी मूर्खता उजागर हो जाती है। अगर अब अच्छा स्पीकर है, श्रेष्ठ वक्ता है, सज्जन है, सद्गुणी है, तो भी उसका प्रकाश होगा लोगों के समूह में, जहाँ अच्छे लोग बैठे हुए हैं वहाँ एक व्यक्ति नहीं बोलता है, नहीं बोलने के कारण उसकी अंदर की, अगर वो मूर्ख है तो उसकी अज्ञानता ढक गई, और बोल जाता है तो अज्ञानता बाहर आ गई, मूर्ख सिद्ध हो गया। अगर मूर्ख है और बोलने लपलप करने लग गया, गलती से उसने नहीं कहना है वो कह दिया, तो भी तो यहां पर ईश्वर ने अज्ञानता को ढकने के लिए एक ऐसे गुण का आविष्कार किया है, निर्माण किया है, जो क्या करता है, विशेष रूप से अच्छे लोगों की समूह में, समाज में उसका आभूषण बन करके रहता है। मूर्खों के लिए उनका मौन आभूषण रहता है। हम सहज में कह देते हैं कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, ये श्लोक का शीर्षक है। इस श्लोक का शीर्षक है मौनम मूर्खस्य भूषणम, मौन मूर्ख का आभूषण है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोले। ये भी ध्यान में रखें कि वाचालो लभते नाशम, अत्यधिक वाचाल भी नाश को प्राप्त करता है। खूब ज़्यादा नहीं बोलना, एनर्जी वेस्ट नहीं करना,
देश काल परिस्थिति अनुसार उचित वक्तव्य बहुत आवश्यक है, खास करके जहां उसकी आवश्यकता हो। तो हम श्लोक को देखें, बहुत बड़ा संदेश है सबके लिए, पर्सनलिटी को पॉलिश करने वाला श्लोक है। सब जगह चुप नहीं रहना, जहां आवश्यक हो वहां पर स्टेटमेंट कमेंट देना चाहिए। अच्छा होगा कमेंट तो व्यक्ति की अच्छा ही होगी, अगर व्यक्ति व्यक्ति का पता भी तो चलना चाहिए लोगों के बीच में कि वो है कैसा। वो चुप रहता है तो भी विद्वान मान लिया जाता है, बोलता ही नहीं है तो उसके अच्छों में गिनती होती है, बोलता तो नहीं है, उसकी मूर्खता को ढक देता है क्या मौन। इसलिए मौन को यहाँ आड़े हाथों नहीं लिया है, मौन को लक्ष्य नहीं बनाया है महाकवि भर्तृहरि ने, किंतु मौन के माध्यम से, मौन अच्छा भी है। कहीं कहीं शास्त्रों में कहा गया कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, व्यक्ति को बार बार पूछने पर, उसके अंतर मन को टटोलने पर व्यक्ति मौन रहता है तो इसको मान लिया जाता है कि वो ना नहीं कर रहा, इसका मतलब हाँ है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का भी लक्षण है। ध्यान दें, श्लोक में मूर्ख निंदा पद्धति का श्लोक है, हम श्लोक की दृष्टि से इसको देखें। स्वायत्तम, स्वायत्तम का तात्पर्य है अपने पास रहने वाला, कहीं जाता नहीं है मौन। एकांत गुण, एकांत गुण है, उसके साथ कोई और गुण भी मैच नहीं होते हैं। ऐसा गुण विधाता के द्वारा, तृतीय एक वचन विधात्रा, विधाता ने विनिर्मितम बनाया है, किसके लिए बनाया है, छादनम ढकने के लिए, क्या ढकने के लिए, अज्ञताया, अज्ञानता का छादन करने के लिए, मूर्खता को ढकने के लिए मूर्ख की मूर्खता को ढकने के लिए, भोंट की मूर्खता को ढकने के लिए ईश्वर ने हमेशा उसके पास रहने वाला एकांत गुण मौन का निर्माण किया है। ये मौन क्या करता है, विशेष रूप से, विशेषतः सर्वविदम समाजे, सर्वविद अर्थात विद्वानों के समूह में, सभा में, समाज में, तृतीय सप्तमी एक वचन, विद्वानों की सभा में, विद्वानों के टोली में, समाज में यह विभूषण है, आभूषण है, होता है ये मौनम। किन के लिए, अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम। इसको विग्रह करेंगे तो आएगा अपंडित शब्द निकल के आएगा, क्योंकि मौन में, मौनम में महलंत है, मौनम अपंडितानाम विभूषणम, यह मौन अपंडितों के लिए उनका आभूषण बन करके निकलता है। कल्पना कीजिए कि एक समूह में अच्छे लोगों का एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, समूह चर्चा हो रही है किस अच्छे विषय पर, वहाँ भांति भांति के लोग बोल रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो भी वो व्यक्ति उसके अज्ञानता को ढक करके उस वह मौन उसकी शोभा में अभिवृद्धि करा देता है, चुप रहता है तो भी बोलने पर पता चलता है कि वह कैसा है। इसलिए मौन को यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने न अच्छा कहा है न बुरा कहा है, ध्यान रखें, किंतु नहीं बोलने से आभूषण, आभूषण की तरह विद्वानों के तुल्य उसकी स्थिति हो जाती है, अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए मौन उनका आभूषण होता है। मूर्ख है वो कहाँ क्या बोल दे और कलह हो जाए, इसलिए मौन को यहाँ एक ऐसा आविष्कार ईश्वर का बताया गया है जो मूर्खों की अज्ञानता को ढकने के लिए उनके पास रहता है। ठीक है, इससे एक महान अर्थ निकल के आता है कि शब्द ही मित्रता करवाते हैं, शब्द ही शत्रुता करवाते हैं। मौन अच्छा है किंतु वक्तव्य होना ही चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग करने पर कलह होता है। हमें पता है कि द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा नहीं कहा होता तो महाभारत नहीं होती, ऐसे अनेक घटनाक्रम है, वाक्य से ही तो युद्ध होते हैं। तो तोल मोल के बोल, व्यक्ति में ऐसी वाणी बोली है मन का आपा पाए, औरन को शीतल करे आप हम शीतल हो गए, ये श्लोक का विषय है। श्लोक में और कोई अच्छी बातें रह गई हूँ तो आप देखें, ई कंटेंट के रूप में है, मेरे द्वारा तैयार किए नोट्स हैं, चाणक्य पुंड मैंने ही इसे टाइप किया है, और
इसे समाज में परोसने की दृष्टि से यहाँ यूट्यूब पर इसका संप्रसार किया जा रहा है। अनुवाद जो है वो सरलार्थ होता है, एक इजी मीनिंग क्लोज श्लोक का सरल अर्थ। महाकवि भर्तृहरि मूर्ख निंदा पद्धति माध्यमेन कथयति यत् ईश्वरेण ब्रह्मणा मूर्खाणाम अज्ञतायाः छादनम एकम स्वायत्त गुणम विनिर्मितम तदमौनम किं करोति विद्वज्जनेषु सभाषु मूर्खाणाम अज्ञतायाः छादनम करोति तदमौनम। यदि कोऽपि मूर्खः न वदति, न उच्चरति, न भणति, न पठति, तर्हि सः विद्वत्तुल्यः गण्यते। परंतु यदा सः अपलाप करोति तदा तस्य उसका पता चल जाता है कि वह मूर्ख है, विद्वानों के समास। इस प्रकार श्लोक का भावार्थ मौन मूर्खों का आभूषण है। चुप रहने तक मौन के सहारे मूर्ख की अज्ञानता ढकी ढकी रहती है और विद्वानों के समूह में भी शोभा पा लेता है। अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो मौन रख करके शांति बनाए रखे, ये संदेश भी है। यहाँ एक कौटिल्य नीति जो है, चाणक्य नीति, उसका भी श्लोक है। तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन् न भाषते। क्या बात, तो मूर्खों की एक बात पता ही है चाणक्य नीति में भी। मूर्ख के मुंह खुलते ही उनके मूर्ख होने की पोल खुल जाती है और वे अपमानित होते हैं। इसलिए आचार्य कौटिल्य ने कहा है तावत् शोभते, मूर्ख तभी शोभित होता है जब तक कुछ बोलता नहीं है। तो बढ़िया है ना, अगर नहीं आता है तो मत बोलो, चुप रहो भाई, अच्छे बने रहो। बुरा बोलने पर कलह हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उग जाते छंदे, जैसे मैंने कहा था। ये व्याकरण, अगला श्लोक देखिए, ये वसंत तिल का छंद में है, आठवां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये भी पर्सनैलिटी को पॉलिश करने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए मेरी दृष्टि में ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वसंत तिल का छंद थोड़ा संगीत माधुरी को लेकर है, देखिए इसको मेरे साथ गाएं। यदा किंचिद्योहं गज इव मदांधः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। क्या श्लोक है, बड़ा है, वसंत दिल काम है। महाकवि भर्तृहरि ने एक बार इसके अर्थ बता दूं आपको। यदा किंचित् अहम्, यदा जब मैं थोड़ा थोड़ा जानता था, अहम के द्वारा व्यक्ति की मानवीय स्ववृत्ति हर व्यक्ति अपने अंदर ले सकता है। इसको कवि ने मैं के द्वारा व्यक्ति हर व्यक्ति की सोच को यहाँ उजागर किया है कि वो जब तक अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं आता है तो अपने अपने अपनी दुनिया में मस्त रहता है, तो अपने को महाज्ञानी विद्वान समझ करके चलता है, आचरण करता है। लेकिन अच्छे लोगों के संपर्क में जब आता है तब पता चलता है कि मैं तो प्रारंभ में तो बिल्कुल कुछ नहीं था, थोता चना बाजे घना, इस तरह से व्यक्ति चलता है। लेकिन जब उसे जैसे जैसे अच्छे लोगों के, उत्कृष्ट लोगों के इर्द गिर्द चलता है, बैठता है, उठता है, बात करता है, पता चलता है कि अरे प्रारंभ में तो बिल्कुल मूर्ख था। ये अनुभव यहाँ बताया है। यदा जब किंचित थोड़ा सा, किंचित ज्ञ, किंचित ज्ञ, ज्ञ माने जानना, जब थोड़ा थोड़ा जानता था, अहम गज इव मदांधः संभवम, माने मैं तो हाथी के समान मद में अंधा हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा अल्प ज्ञान आते ही व्यक्ति घमंडी हो जाता है, दूसरों को देखता ही नहीं। पैसा क्या आ गया, पैसा आते ही व्यक्ति आसमान में उड़ने लगता है,
हाँ ज्ञान की बात है, थोड़ा सा जब मैं ज्ञानी था, ज्ञान जानने लगा, तो हाथी के समान मद में अंधा हो गया, अभिमानी हो गया। तब क्या हुआ? तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मनः। थोड़ा टंकर दोष की वजह से यहाँ बुद्ध जन्म सकाशाद है, तीसरी पंक्ति में भी सकाशाद आएगा, अभवत् अवलिप्तम मम मनः, मेरा मन क्या हो गया। दूसरी पंक्ति देखिए, सर्वज्ञ अस्मि इति, मैं ही सब कुछ हूँ। थोड़ा सा आया ज्ञान आया तो हाथी के समान मद में अंधा हो गया, और तब सब सर्वस्व में ही अहम सर्वज्ञ, मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार मेरा मन अवलिप्त हो गया, किससे, घमंड से, अभिमान से भर गया। मम मन, मेरा मन अवलिप्त हो गया, अवलिप्त किससे, अभिमान से अवलिप्त हो गया। किंतु तीसरी चौथी पंक्ति में वापस होश कब आया, यदा किंचित 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 बुद्ध जन सकाशाद अवगतम। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा 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 बुद्ध जन का मतलब अच्छे उत्तम, समाज में भले कम है लेकिन अच्छे लोगों के साथ धीरे धीरे सकाशाद, सकाशाद उनके सान्निध्य से अवगतम, मैंने जाना सीखा, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने, श्रेष्ठ लोगों की संगति से कैसे जीवन क्या है, किस प्रकार चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जब सीखा तब चौथी पंक्ति देखिए, तदा मूर्खो अस्मि इति, तब मुझे पहली स्टेप स्टेज वाली याद आई, मैं मूर्ख हूँ, अरे मैं तो मूर्ख था, मैं तो मूर्ख हूँ। इति ज्वर इव मदो में व्यपगत, मैं मद ज्वर इव व्यपगत, मेरा वो ज्वर जो था अभिमान रूप क्योंकि बुखार व्यपगत भाग गया, वी अपगत वी अपगमत व्यपगत, मेरा वो घमंड रूपी बुखार उतर गया, अभिमान रूपी ज्वर चला गया। कब? जब थोड़ा थोड़ा सज्जनों के आश्रय में रह करके जानना सीखा, अच्छे लोगों के साथ संगति से रह करके जब जीवन का वास्तविक बोध हुआ, अनुभव हुआ कि जीवन है क्या, क्या कर, क्या विधि है, क्या अविधि है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जीवन का मर्म जब समझ में आया अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से, बात करने से, तब मूर्ख हूँ ये मान करके मेरा अभिमान रूपी बुखार चला गया। ये बात भर्तृहरि ने कही है, बहुत श्रेष्ठ है श्लोक की दृष्टि से। आप यहाँ हर व्यक्ति इसको अपने सेल्फ, उसकी अपनी अनुभूति के रूप में देखें, स्वानुभूति। प्रारंभ में तो यही होता है, थोड़ा सा ज्ञान आते ही व्यक्ति आसमान में उड़ने लगता है, अभिमानी होकर के मद मदांध हो जाता है, दूसरों को देखता ही नहीं है, सर्वज्ञ मान करके अपने आप को घमंड से चकनाचूर हो जाता है, घमंड से अभिभूत हो जाता है। लेकिन उसका घमंड चकनाचूर कब होगा? जब वो धीरे धीरे अच्छे लोगों के संपर्क में आएगा, तब उसकी पर्सनैलिटी पॉलिश होगी। तो यहाँ अभिमान की तुलना बुखार से की है, जैसे अच्छी औषधियाँ लेने से बुखार उतर जाता है, पैरासिटामोल लेने से बुखार उतर जाता है ना, वैसे ही संगति बहुत जरूरी है, बुद्ध जनों की संगति, अच्छे लोगों की संगति। आप हम यदि एक सर्कल में ही रहते हैं और वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, इमेजिन, तो फिर क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होना है, हमें दूसरे क्षेत्र के अच्छे लोगों से संपर्क रखना होगा। आज का युग तो उद्योग प्रौद्योगिक क्रांति के लिए हुए, इन साधनों का हम क्यों ना उपयोग करें, यानी कानिच मित्राणि कर्तव्यानि सदानि च, अच्छों के लिए। तो श्लोक का बहुत अच्छा संदेश है, महाकवि भारवी ने जैसे किरातार्जुनीयम में अच्छे संदेश दिए हैं, वैसे ही भर्तृहरि ने नीति शतकम में अच्छे संदेश दिए हैं। शब्दार्थ जो संस्कृत, जो सुधी पाठक श्रोता दर्शक संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये शब्दार्थ हैं, ये कंटेंट काम का है, और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए तो है ही, ये श्लोक केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, ये जीवन के पाठ्यक्रम में आने वाले श्लोक हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए लेकिन जीवन की पढ़ाई में हम पीछे रह गए, क्या मतलब है। इस प्रकार महाभारत लिखा है, हमारे अपने सेल्फ टुच्चापन है वो कब पता चलेगा, जब हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तब पता चलेगा।
हम अपनी वृत्ति में रहते हैं तो हम लगते हैं कि मैं ही सही हूँ। नहीं, आधे अधूरे ज्ञान से दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति स्वयं को सब कुछ मान बैठता है। देखो ये श्लोक का संदेश है, अतकचरा ज्ञान आधान ज्ञान, जो हटी मूर्ख है समाज में वो अपने आप को सर्वज्ञ हम हैं ऐसा मान करके उड़ते रहते हैं। समाज में अच्छे विद्वानों के साथ रहने से, संगति पाने से उनमें तात्विकता का उदय होता है, इसलिए पूर्णता गौरव देती है। आधा ज्ञान व्यक्ति में मिथ्याभिमान घमंड पैदा करता है, पाखंड पैदा करता है। कहा भी तो गया, अधजल गगरी छल कद जाए, ये तो उपदेश में भी आया कि अर्धो घटो घोष मुपई दिनुनम, पूरा भरा हुआ घड़ा नहीं बोलता है लेकिन आधा घर भरा है पानी का में तो आवाज करता है। पूर्णता होगी तो व्यक्ति छलकेगा नहीं, इसके अंदर स्वाभिमान पैदा होगा। तो ये श्लोक इससे पहले वाला मौन मूर्खों का आभूषण है, उसी प्रकार ये अध जल गगरी छल कद जाए ये भी बहुत बड़ा संदेश है। ये किंचित ज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति बताना जरूरी है। किंचित ज्ञ है ज्ञ, हम ध्यान दें विद्यार्थी और सभी संस्कृत प्रेमी कि ये लिखा लिखा हुआ है, हम बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ नहीं है ज्ञ है, आधा ज और ञ मिलने से ज्ञ बनता है। तो ये ज्ञान इसका उच्चारण होना चाहिए, कोई ज्ञान है तो ज्ञान सही है, यज्ञ है तो यज्ञ। ये प्रवृत्ति बन गई ऐसी जिसके कारण हम ऐसा करते हैं, किंतु व्याकरण की दृष्टि से आप देखें किंचित ज किंचित ज, तो यहाँ त को भी ज हो गया सामने ज होने से स्तोषणाश्चु सूत्र से, अरे अहम को हम पूर्व उपसंधि से। इस प्रकार आज के इन दो श्लोकों में आपको हमने बताया, कल फिर से आपके सामने श्लोक लेके उपस्थित होंगे। ओम।